क्वेश्चन 7 है एनसीईआरटी क्लास 10 ट्राइंगल का, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1। ये कह रहा है थ्योरम 6.1 का यूज करते हुए, थ्योरम 6.1 आपको स्टेटमेंट एज इट इज याद होना चाहिए, मैंने लिख भी दिया है कि अगर एक लाइन हमने देखो यही वाली है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसमें यूज करना है इसका थ्योरम। अब थ्योरम 6.1 क्या थी कि हमने क्या किया, एक लाइन अगर हम एक ट्राइंगल लें और उसकी दो साइड से बाइसेक्ट करते हुए दो पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे थर्ड साइड के, तो ये जो दोनों साइड्स होती हैं सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं, ये आपकी थ्योरम थी, ठीक है, मैंने लिख किया। आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, कई बार आता है स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसको कैसे यूज करेंगे, इस थ्योरम का यूज करते हुए, देखो मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, एक तो मुझे गिवन है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एक तो इसका मिड पॉइंट है, दूसरा मुझे गिवन है कि जो ये डी ई है ये पैरेलल है बी सी की, टीपीटी मुझे प्रूव करना है कि ई बी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है, तो यानी कि मुझे प्रूफ करना है ए ई इक्वल ई सी। प्रूफ करेंगे, देखो सिंस डी क्या है, इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट है ए बी का, अगर मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा, ठीक है, अगर ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा तो ए डी बाय डी बी आपका क्या आएगा, वन, ठीक भाई, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, वन। अब हम बात करें इन ट्राइंगल ए बी सी की, तो डी ई क्या है, पैरेलल है बी सी के, तो क्या इम्प्लाइज करेगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी करेगा, ठीक है, बाय थ्योरम 6.1, इसका यूज करना था, यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है, मेन क्वेश्चन तो यहाँ से आपको करना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए थ्योरम 6.1 लिख दिया है। अब ए डी अपॉन डी बी क्या है, 1, यानी कि ए ई अपॉन ई सी, अब देखो 1 है तो उधर जाएगा ई सी हो जाएगा, क्या इम्प्लाइज करेगा कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।